ये अभी हम लोग सिगरी पहुंच गए हैं, तो अभी ये सारे हमारे भाई लोग सिगरी जंगल कैंप, ये जैसा कि आप देख सकते हैं सब वेव कर रहे हैं। यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है और ये देखिए सिगरी जंगल कैंप, और हमारी बाइकें थोड़ी आगे खड़ी हैं, तो दिखाता हूँ। ये बाइकें खड़ी हैं इन कारों के आगे, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे। अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं दो बाइक लेके आया था क्या टिगरी जंगल कैंप की साइड, जो यहाँ के केयर टेकर हैं कुमाऊं मंडल के। ये सिगरी जंगल कैंप देख आप गौर से देख सकते हैं, ये कुमाऊं मंडल कॉलो का है, इसमें नंबर्स भी हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, तो ये लोग जा रहे हैं। ये एक छोटा सा ट्रैक बन गया हमारा बेसिकली, ये रास्ता प्रॉपर नहीं है, ये लोकल के लिए है ये रास्ता, लेकिन फिर भी हम लोग इधर से निकल रहे हैं और इधर से ये एंट्रेंस है सिगरी जंगल कैंप की। ये आप व्यू देख सकते हैं इधर से, ये चलते हुए आपको दिखा रहे हैं हम। ये इनका गेट है सिगरी जंगल कैंप का, ये हमारे चंद्रदा ये घूम रहे हैं। आप थोड़ी सी बात करें चंद्रदा से, ये हमारे चंद्रदा हैं, ये यहाँ के ओनर भी हैं और केयर टेकर भी यही हैं। पिछले हम कोई 11-12 साल से आ रहे हैं इनके पास, पूरा हमारा बाइकिंग क्लब आ रहा है बाइकर्स का जितना भी है। पहले हम लोग दिल्ली बुल राइडर्स के नाम से क्लब चलाते थे, अब वो क्लब इंडिया बुल राइडर्स के नाम से चल रहा है, और मेरा अपना क्लब एक और चल रहा है यूके फ्राइडर के नाम से। जैसे कि आप मेरी YouTube में देखते हैं, तो हम आपके इनके टेंट दिखाते हैं, और ये पीछे इनके देख रहे हैं ये डाइनिंग हॉल है इनका, और सुबह की आपको ये डाइनिंग हॉल है। ये देखिए इसके पीछे डाइनिंग हॉल के जस्ट पीछे किचन एरिया है, ये सर्विस विंडो है, तो आप लोग आ सकते हैं। और मैंने आपको सिगरी जंगल कैंप की बोर्ड भी दिखा दिया है, उसमें कांटेक्ट नंबर्स भी हैं, आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रदा डायरेक्ट कांटेक्ट करके आ सकते हैं ना। आ सकते हैं, तो चंद्रदा भी कह रहे हैं कि आप लोग आ सकते हैं कभी भी। हम लोग भी सडनली आए हैं, कल हम लोग नैनीताल पहुंचे थे, आज सुबह प्लान बना कि पनगोट, फिर पनगोट से कैंसिल करके फिर सीधे हम सिगरी। चंद्रदा का प्यार ही ऐसा है, ये कहते हैं कि भाई एकदम से कैसे यार, तो ऐसा है। चलो अब आपको हम चल के दिखाते हैं नीचे टेंट हाउस। चलो चंद्रदा मिलते हैं फिर डिनर पे, या बीच में भी मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। ये अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की साइड, ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉन फायर कभी चंद्रदा ने बना रखा है, ये देख रहे हैं आप लोग। यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू, ये मॉर्निंग व्यू और अच्छा होता है, ये बॉन फायर के लिए रखा हुआ है इन्होंने, इनका बॉन फायर का है ये सिटिंग एरिया, और ये टेंट हाउसेस हैं। अभी हम लोग चलते हैं टेंट में और कुछ और दिखाते हैं को टेंट के अंदर के। अभी सारे निकल गए हैं,
क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लास्ट के दो तीन टेंट लेंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम तीन टेंट लेके अपना आगे सेटल होंगे। जैकेट ले ली इसमें से, जैकेट उठा लो या सामान उठा लो इसमें से, फिर हम लास्ट के हमारे दो टेंट हैं, एक और दो और वो थर्ड हमारा ये वाला। तो बाबा इसमें सामान ले लो, मेरा वो साइड बैग भी होगा। ये हमारे दीपक जोशी जी मस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, ये हमारे अरुण भाई, वो हैं नैन दा जो कि बेड वगैरह लगाते हुए। यहाँ पे सबसे अच्छा है कि ये सैनिटरीज भी इन्होंने टेंट के पीछे ही बना रखी है, तो अच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ये हम लोगों की बाइक है, ये अपनी पुल, और ये सारे अभी तो रात कैसे काटोगे, ये ठंड में हालत खराब। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऑफ रोडिंग करें कि ना करें, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ऑफ रोडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और ये पूरा रोड आप देख सकते हैं क्या हालत है रोड की। इस रोड से हम लोग आए हैं और ये जंगल है, और शाम के अभी 5:20 हो रहे हैं और ये हालत है 5:20 पे। तो समझ नहीं आ रहा कि अभी हम क्या करें क्या ना करें, अब हम चले आगे कि नहीं समझ नहीं है। चिलिंग वेदर है एकदम ठंडा। ओ ये आप देखिए हाथ की हालत देख सकते हैं, ये हाथ की हालत देख रहे हैं, ये ठंड की वजह से हो जाता है, ज़्यादातर लोगों को हो ही जाता होगा जिनको ठंड फील होती है।